फतेह बुलाओ। जितना जोश आज 35 दिनों के अंदर तुमने पूरी दुनिया के अंदर भर दिया, यहां से एक बार फिर जोर से सिंह फतेह बुलाओ। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। आज मैं अपने आप को इतना गर्वान्वित महसूस कर रही हूं कि सारे तीर्थ चारों धाम आपके चरणों में, वाकई पंजाब से जो लहर उठी और उसने पूरी दुनिया जिस तरह से सिंगो बॉर्डर पर इकट्ठी कर दी, मुझे नहीं लगता कि स्वामी रामदेव जी को, जैसे कि आने वाले समय में हमारे हरिद्वार में कुंभ है, मुझे लगता है स्वामी रामदेव जी इस कुंभ में गोता मारना चाहिए था आपको। स्वामी रामदेव जी को ढूंढने आई थी मैं तो आज, और पूछने और बताने भी आई थी कि स्वामी रामदेव आज सरकार आपकी है, मोदी जी आपके, कल तक मेरे भी थे, लेकिन आपकी तरह ये सिंह वो किसान नहीं कि स्टेज से सलवार पहनकर दौड़ जाए, ये असली गुरु के सिंह है। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1,25,000 से एक लड़ाऊं श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको आपको क्या लगता था, आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसानों का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी सिंहों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों हजारों, ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं, साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते, ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं, लेकिन हरियाणा के पंडितों के बर्दे राजपूतों के होते हुए मैं खुद एक राजपूत हूं। मैं कहना चाहती हूं हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी, मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी।